हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर नेट फैब्रिक लिया है और साथ में ये मैंने अस्तर के लिए ये शायरिंग वाला फैब्रिक यूज़ किया है। तो अस्तर अगर 1 मीटर भी होगा वो भी चल जाएगा। और साथ ही मैंने ये पतली सी इलास्टिक ली है जो कि 1/2 इंच चौड़ाई है। तो सबसे पहले फैब्रिक को हम डबल में फोल्ड करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को ओपन करना है। तो यहाँ मैं अस्तर की और ये नेट की कटिंग अलग अलग करूँगी, चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं। इस तरह से 4 लेयर में मैं फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद अगेन फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले लंबाई की मार्किंग करूँगी। तो जो टॉप की टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ 25 इंच, 24 मुझे चाहिए थी, जिसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी रखना है। तो 25 इंच पर लेंथ मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर लेना है। जो फैब्रिक बचा हुआ है नीचे का, उसे हम स्लीव्स बनाने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये 4 लेयर में फैब्रिक हमें मिल रहा है। और जहाँ से बंद साइड है वहाँ से नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक के लिए यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच पर, और जो नेक की लंबाई है वो रखनी है 4 इंच। तो डीपनेस 4 इंच रखनी है, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, आप कितनी भी ले सकते हो, जितनी भी आपको बड़ा या छोटा गला चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से बनाने के बाद इसे हमें हल्का सा राउंड शेप देना होगा। तो मैं यहाँ हल्का सा बोर्ड शेप बना रही हूँ। तो मैं यहाँ अराउंड 1.5 इंच की गहराई दे रही हूँ, क्योंकि वोट नेक में हम थोड़ा सा ज़्यादा डीप लेते हैं। हल्की सी राउंड शेप बना देना है इस तरह से। और यहाँ शोल्डर के लिए 3 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ मैं। हम आर्म होल में ले रही हूँ 6 इंच। तो 6 इंच आर्म होल आई थिंक परफेक्ट रहता है। बाकी आप बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं। और आर्म होल में अराउंड हमें 1.5 इंच की गहराई देनी रहती है। तो इस तरह से गहराई दे दी। अब हमें बस्ट का मार्क करना होगा। तो टोटल बस्ट थी 36 इंच। तो 36 का हमें चौथाई भाग लेना रहेगा। तो यहाँ मैंने 9 इंच पर मार्क कर लिया है, और वेस्ट का भी मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। टोटल का हमें चौथाई भाग लेना रहता है। और नीचे की साइड भी हमें थोड़ा सा लूज रखना है, इसलिए मैंने एकदम कॉर्नर पर मार्क कर लिया है। अब इस तरह से हमें शेप दे देना होगा। और साथ ही हमें 2 इंच मार्जिन के लिए रखना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, कुछ भी बनाएं तो मार्जिन उसमें ज़रूर रखें। तो यहाँ 2 इंच की मार्जिन दे दी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से अब ओपन करेंगे तो हमें 2 फैब्रिक के पीस मिलेंगे। अब यहाँ फ्रंट जो पार्ट है उसे इस तरह से फोल्ड करना है। और फ्रंट पार्ट के आर्म होल में अराउंड हमें 1/2 इंच तक की गहराई देनी होगी। तो इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए 1/2 इंच गहराई देनी है आर्म होल में। ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में करना रहता है। तो यहाँ दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर के लिए हमें सेम मेजरमेंट से कटिंग करनी है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से बता रही हूँ। तो 25 इंच इसकी लेंथ, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लेना है। अब नेक शेप मेजरमेंट लेना है जो कि हमने नेक में कट करते हुए लिया था। लाइनिंग के भी हमें 2 पार्ट मिल गए हैं। अब लाइनिंग का जो फ्रंट
वाला पार्ट है उसमें भी हमें आधा इंच आर्म होल में गहराई देनी है। इसके बाद अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो जो फैब्रिक बचा हुआ था उससे अभी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद अगेन फोल्ड कर लेना है। टोटल हमें चार लेयर मिलनी चाहिए क्योंकि दोनों स्लीव्स हमारी एक साथ निकलेंगी इस तरह से अगर हम फोल्ड करते हैं। तो यहाँ टोटल चार लेयर हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ कट कर लूँगी। तो पहले मैं इसकी लंबाई देख ली, तो यहाँ मुझे अराउंड मिल जाएगी 12.5 इंच, तो ये काफ़ी है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर लेना है जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अच्छे से फैब्रिक को सेट करना है। अब जो नीचे से खुला हुआ पार्ट है वहाँ से मार्किंग करनी होगी, तो स्लीव की लेंथ देख लेना है सबसे पहले। अभी खुले हुए पार्ट से 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है। तो 3.5 इंच पर मैंने यहाँ मार्क कर लिए हैं। इसके बाद हमें ऊपर भी 4 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। तो जहाँ मार्किंग की है वहाँ से हमें एक कर्व ड्रॉ कर लेना होगा ऊपर तक, इस तरह से शेप देना। अब यहाँ पे जो हमारा आर्म होल था वो टोटल था 14 इंच, जो 14 का हमें मिलेगा 7 इंच, तो यहाँ मैंने 7 इंच पे मार्किंग की है। तो 7 इंच इस तरह से आर्म होल की मार्किंग की। बाकी का मेजरमेंट भी आप अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग करिए। यहाँ मैंने 6 इंच पे किया है और स्लीव में भी हमें 2 इंच मार्जिन के लिए रखना है। तो ये थोड़ा हम अलग टाइप से स्लीव्स बना रहे हैं, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होगी, तो 2 से 2.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ज़रूर ले लें। तो अभी मैंने इसकी सिंपल कटिंग कर ली। अब हमें यहाँ से इस पे मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ अराउंड 12 इंच पर, तो 12 इंच तक मैंने मार्क कर लिया है। और जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे हमें सीधा कट करना है। ये हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ ही रखी हुई है यहाँ पर, तो इस तरह से सीधा कट करना है जहाँ तक मार्क किया है वहीं तक। तो यहाँ तक हम इसको ओपन रखेंगे। तो ये हमारी स्लीव से कुछ इस तरह से आएगी। तो स्लीव की कटिंग करने के बाद अब हमें नेक बनाना होगा। नेक के लिए हमें इस तरह से अस्तर के साथ रखते हुए एक पैर की सिलाई दे देनी होगी। तो हमें एक पैर की सिलाई ज़रूर देनी है, जो हमारा मशीन का फुट रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैर की यहाँ सिलाई दे दी है नेक पे अस्तर के साथ सेट करते हुए। इसके बाद हमें क्या करना है, उसमें छोटे छोटे कट्स देने होंगे। तो छोटे छोटे देने हैं, ज़्यादा बड़े कट्स नहीं देने हैं, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए जो हमने लगाई है। तो कट देने के बाद हमें इसे इस तरह से पलट लेना होगा। ये बहुत ही इजी तरीका है नेक बनाने का, अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इसे बना सकते हो। तो इस तरह से फोल्ड करना है और फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ मैंने नेक को अच्छे से सेट कर लिया। अब हमें ऊपर से किनारी पे नेक की एक सिलाई लगा देनी होगी, तो एकदम कॉर्नर पे सिलाई चलानी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का हो गया। अब ये जो हमारा बैक है इसमें भी हमें इस तरह से कट्स देते हुए। तो बैक नेक भी इसी तरह से हमें रेडी करना है, इस पे भी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर दोनों नेक हमारे बन गए हैं। अभी हमें शोल्डर को अटैच करना होगा। तो दोनों पार्ट्स को हमें एक के ऊपर एक रखना है और शोल्डर पे सिलाई लगानी है। शोल्डर सिलाई देने के बाद हमें बॉटम को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं अस्तर को और नेट को अलग अलग फोल्ड करूँगी। तो इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पे सिलाई दे देनी है। और चाहे तो आप पीको भी कर सकते हैं नेट पे, और साइड से भी जो हमने मार्किंग की थी वहाँ से हमें लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिया और साइड्स भी सिल दिए हैं। एंड बॉटम आप देख सकते हैं नेट पे पिकू किया है, अंदर का अस्तर मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हाई हमारे स्लीव्स के लिए पहले हमें इसे जो खुला भाग है उसे डबल फोल्ड करते हुए सिलना होगा। सेंटर पे हमारा थोड़ा पतला सा फोल्ड आएगा, थोड़े गैदर्स भी आ सकते हैं क्योंकि वहाँ एक कर्व है। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है, देख सकते हैं।
अब इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद हमें एक इलास्टिक लेनी होगी और यहाँ 3 इंच पर हमें मार्किंग करनी होगी। दोनों साइड 3-3 इंच पे मार्किंग करनी है और इसका 7.5 आ रहा है तो 7.5 की आधी हमें इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है अराउंड 3.5 इंच इलास्टिक का। अब इलास्टिक को खींच के हमें लगाना है जिससे हमारी इस पे सिलवटें आ जाए। तो प्लेट सी बनानी है, हमें खींचते हुए अटैच करना है इलास्टिक पे, सिलाई दे देनी है। उल्टे साइड से ही सिलना है हमें इलास्टिक को। सेम आगे की साइड भी मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है। इलास्टिक हमारी अच्छे से अटैच हो गई। अब स्लीव्स का हमें एक नाप लेना होगा और खुला हुआ भाग सिल देना होगा। तो इस तरह से मैंने डोरी भी लगा ली है, जहाँ जहाँ हमने इलास्टिक लगाई थी 4 साइड पे 4 डोरी अटैच कर ली है। अब हमें स्लीव्स को टॉप में अटैच कर लेना होगा। मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं कितना इजीली अपने ये प्रिटी सा टॉप क्रिएट कर लिया है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें।